एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करूंगी पिरामिड से रिलेटेड उपाय। पिरामिड वास्तु में बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में एक पिरामिड होता है तो कहीं ना कहीं आपके अगर में घर में हेल्थ का इशू होता है तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर आप अपने घर में जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, अगर वहाँ पर आप एक पिरामिड रख लें तो कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी हेल्थ की इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑर्गन पिरामिड्स, यानी कि बहुत ही स्पेशल पिरामिड्स हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक पिरामिड अपने पास रखना है और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बट वो कौन सा स्टोन होना चाहिए, कौन सा पिरामिड होना चाहिए, वो जानेंगे आज के वीडियो में। बट उससे पहले जान लीजिए मैं कौन। मैं शालिनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट। नमस्ते आप सबको मेरा। आशा करती हूँ आप लोग घर में सब सही होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप यूँ ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को पिरामिड्स के बारे में बताया कि पिरामिड्स घर में रखना कितना ज़्यादा शुभ माना जाता है, बल्कि मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। पिरामिड के अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी। अगर आप कोई थका हुआ इंसान, कोई भी बहुत टायर्ड इंसान, बहुत थका हुआ है, और अगर वो एक पिरामिड यानी पिरामिड शेप का कोई ऐसा बिल्डिंग होगा या कोई ऐसी जगह होगी, प्लेस होगी, उस पर अगर नीचे बैठता है तो तुरंत उसकी जो टायर्डनेस है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसकी थकान उतर जाती है और उसके अंदर जो एक एनर्जी आती है ना, वो बहुत ही फ्रेश हो जाता है। यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे अपने अंदर। ये चीज़ एक पिरामिड के अंदर होता है। आपने जितने भी मंदिर या टेंपल देखा होगा, उसके ऊपर ऐसा इस तरीके का एक पिरामिड शेप बना होता है। और आपने देखा होगा जितने भी टेंपल्स हैं, अगर आप वहाँ जाकर थोड़ी देर के लिए भी बैठ जाएंगे ना तो आपका मन शांत हो जाता है, आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। तो उसके पीछे का कारण ये कहीं ना कहीं ये पिरामिड है। इसके वजह से भी हम वहाँ जाके इतनी पॉजिटिव, क्योंकि जहाँ पर भी ये शेप होता है, पिरामिड का शेप होता है, वहाँ पर इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं कि हम वहाँ जाकर बैठते हैं ना तो हमारे मन की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब, हमारे विचार, हमारा सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। सब कुछ अंदर से ना एकदम शुद्धिकरण हो जाती है। इसलिए मंदिर में जाकर हमको पीस नज़र आता है। अब हम लोग अपने घर के ऊपर तो इतना बड़ा डोम नहीं लगा सकते, यानी कि पिरामिड नहीं लगा सकते, तो हम अपने घर के अंदर छोटा सा पिरामिड तो ज़रूर रख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऑर्गन पिरामिड्स के बारे में। जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं पिरामिड्स, इनमें हैं बहुत चार पिरामिड्स के बारे में आज आपको मैं बताऊँगी। बाकी फिर मैं और कभी दिन करूँगी क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती। आज सबसे पहला जो मैं बता रही हूँ ये है रोज़ क्वार्ट्ज। ये अभी आपको यहाँ पर वाइट दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बट एग्जैक्टली ये वाइट नहीं है, ये लाइट पिंक यानी कि बेबी के पिंक कलर का पत्थर है। इसलिए रोज़ क्वार्ट्ज पिरामिड है। ये रोज़ क्वार्ट्ज ऑर्गन पिरामिड। इस पिरामिड को अगर सपोज़ आपके घर, आपकी लाइफ में लव से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अगर आपके लाइफ में कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है या आपको देखकर कोई अट्रैक्ट नहीं होता, या आपके अंदर आपको अट्रैक्शन की कमी नज़र आती है, या फिर आपको लगता है कि आपका लव और आपका जो लव बॉन्ड है वो ख़राब चल रहा है, या फिर पति पत्नी के बीच में भी कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, या घर में कोई कलेश हो रहे हैं, पर्सनल रिलेशन मतलब रिलेशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, आप इसको अपने बेडरूम में ज़रूर रखिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अट्रैक्ट ज़रूर होगा। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं और अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ये पिरामिड कोई ना कोई ज़रूर अट्रैक्ट करेगा। और साथ ही साथ अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा चले रहते हैं, पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती, तो आप लोग इसको ज़रूर अपने बेडरूम में रखिए। फिर देखिए आप लोग का आपसी प्रेम कितनी जल्दी, कितनी अच्छी तरीके से भर जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, ये आपके हर्ट चक्रास को एनर्जाइज करता है, यानी कि आपका जो हर्ट चक्रा है उसको बैलेंस भी करता है। तो ऑब्वियस है आपको इसको रखना चाहिए अपने घर में, और आपको अट्रैक्टिव भी बनाता है। और अगर आप अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी खूबसूरत दिखें, तो इस रोज़ क्वार्ट्ज ऑर्गन पिरामिड को आप अपने बेडरूम में अपने साथ ज़रूर रखें। और ये ऑर्गन पिरामिड्स आपको मेरी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, आपको जहाँ से लेना है आप आराम से ले सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी ये गोमती चक्र पिरामिड के बारे में। आप देख रहे होंगे ये गोमती चक्र है, अगर ये स्क्रीन पे आपको ठीक से दिख पा रहा होगा तो ये गोमती चक्र का ऑर्गन पिरामिड है। साथ में इसमें ये जो छोटे छोटे रेड हैं मोती, ये रक्त कुंजा हैं और ये दोनों चीज़ें मनी को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके लाइफ में मनी का इशू है, मनी का प्रॉब्लम है, पैसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, आप जितनी भी मेहनत करते हैं बट आपको उस हिसाब से वो फल नहीं मिलता। और कौन नहीं चाहता कि उसके पास पैसे की कमी हो, कौन चाहता है कि उसके पास पैसे की कमी हो? हर कोई चाहता है उसके पास पैसे की कमी ना हो, खूब सारा पैसा हर कोई कमाना चाहता है। तो आप अपने वर्क प्लेस पे या फिर आप अपनी बिजनेस प्लेस पे या फिर आप अपने घर में जहाँ पे आपका मनी एरिया है, यहाँ पर आपका लॉकर है, वहाँ पे ये ऑर्गन पिरामिड ज़रूर रखिए। आपका जो आपका मनी है ना वो इतनी जल्दी बढ़ेगा ना, मतलब उसका जो आपका जो इनकम है ना वो जल्दी से जल्दी बढ़ जाएगा। इतना मैजिकल है ये ऑर्गन पिरामिड, आप रख के देखिए। मैंने तो अपनी ऑफिस टेबल पे ज़रूर रखा हुआ है, साथ ही साथ मेरे लॉकर में भी रखा हुआ है। अगर आप लोग भी इसको रखना चाहते हैं तो जल्दी से आज ही ऑर्डर करिए और इसको ज़रूर के ज़रूर अपने बिजनेस प्लेस पे या अपने शॉप पर, अपने गले में, आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं। जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ इसको आप आराम से रखते हैं। इनफैक्ट आप अगर अलमारी है आपकी, कोई ऐसी अलमीरा है जहाँ पे आपने एक ड्रॉर बना रखा है उसमें पैसे रख रखे हैं, तो आप इसको वहाँ पर भी रख सकते हैं। ये गोमती चक्र और ये रक्त कुंजा, ये दोनों ही मनी के रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो इन दोनों को आपको अपने, मतलब ये एक ऑर्गन पिरामिड को आपको अपने घर में रखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे की कोई भी कमी ना हो। अब मैं आपसे बात करूंगी लैपिस लैज़ुली। ये भी एक स्टोन है जो इस ऑर्गन पिरामिड के अंदर बंद है और ये ऑर्गन पिरामिड आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके बच्चे स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो इस ऑर्गन पिरामिड को आप उनकी स्टडी टेबल पे रख दीजिए। फिर देखिए कितना मैजिक, आपके बच्चे जो है पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान देना स्टार्ट करने लगेंगे। इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी करता है और साथ ही साथ अगर आपको हाई बीपी का इशू है तो फिर तो ये आपको अपने साथ ज़रूर के ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टोन है जो आपको लो बीपी करता है। यानी कि आपका अगर बीपी हाई रहता है या इम्यून सिस्टम आपका ठीक नहीं है तो ये आपको अपने साथ रखना चाहिए। अगर इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, वर्टिगो का प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंसोम्निया से प्रॉब्लम है, जिनको वर्टिगो का भी प्रॉब्लम है और जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग। तो आपको ये लैपिस लैज़ुली का ऑर्गन पिरामिड ज़रूर अपने घर में रखना चाहिए। ये जो पिरामिड्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही मैजिकल। मतलब आप थोड़ा सा पैसे स्पेंड करेंगे इनके लिए और उसके बाद आपकी लाइफ में ना जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है ना वो बड़ा हो जाती हैं, जो बहुत बड़ी बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। मेरी वेबसाइट पे तो आपको ऑलमोस्ट 600 या 650 का मिल जाएगा, आई डोंट नो, आप देख सकते हैं। बट मेरी वेबसाइट पे ये सारे प्रोडक्ट्स आपको एनर्जाइज मिलेंगे। अप टू यू, आपके ऊपर है, आपको कहीं से भी ले सकते हैं। आपको मैं ये नहीं कहूँगी आप मेरी वेबसाइट से ही लीजिए, बट लिंक मैं आपको आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वेबसाइट का दे दूँगी, आपको जहाँ ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब मैं बात करूंगी एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आपके 7 चक्रास को बैलेंस करेगा। जी हाँ, हमारे 7 चक्रास को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और वो 7 चक्रास अगर बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में रिलेशनशिप से प्रॉब्लम, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, दोस्तों से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर बीमारियाँ होती हैं, डिजीज़ होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो ये 7 चक्र हमारा जो ऑर्गन पिरामिड है वो ज़रूर हमारे पास होना चाहिए। ये इस तरीके का दिखता है, अगर आप देख पा रहे हैं, अगर ये इस तरीके का दिखता है, इसको मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। और ये इतना मैजिकल है, आप अगर मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं तो इसको आप अपने उस रूम में रख सकते हैं। नहीं तो आप इसको अगर आप नॉर्थ ईस्ट यानी कि अपने घर के ईशान कोण में रखते हैं तो आप देखेंगे आपके जो 7 चक्रास हैं वो पूरे के पूरे बैलेंस हो जाएंगे। और नहीं तो आप इसको ईस्ट जोन में भी रख सकते हैं, यानी कि पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। और अगर आपको ये दिशाएं नहीं समझ में आती है, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, जैसे कोई ड्राइंग हॉल है, कोई डाइनिंग हॉल है, कोई आपका बेडरूम है, या फिर आप ऑफिस में ज़्यादा रहते हैं, मतलब आप अगर 24 आवर्स में से 9 आवर्स अगर आप ऑफिस में रहते हैं तो आप इसे ऑफिस में भी रख सकते हैं। ये 7 चक्रास हैं, 7 स्टोन से बना हुआ है जो आपके 7 चक्रास को हील करेगा। और जब आपके 7 चक्रास हील हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो मनी रिलेटेड हो, क्योंकि हमारे 7 चक्रास को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूंगी 7 चक्रास आखिर कौन से हैं। एक हमारा रूट चक्रा है, उसके बाद हमारा सैक्रल चक्रा है, फिर हमारा सोलर प्लेक्सस है, फिर हमारा हर्ट चक्रा है, एंड देन थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। ये सारे यहाँ से लेके जो नीचे तक के हमारे जो चक्रास हैं, इनको बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट लोग 7 चक्रास को हील करने के लिए थेरेपी लेते हैं। और आप ये थेरेपी सिर्फ अपने घर में, सिर्फ ये ऑर्गन पिरामिड रख कर, यानी कि ये 7 चक्रास वाला ऑर्गन पिरामिड रख कर, कहीं ना कहीं आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। 7 चक्रास जो है ये, अगर आप इसको अपने घर में रखेंगे तो आपके बहुत से हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो आपको ज़रूर के ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको अपने घर में ज़रूर रखिएगा। अब ये आप 4 भी रख सकते हैं, आप 2 भी रख सकते हैं, आप 1 भी रख सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी है आप कितने भी रखना चाहें। अगर आप मनी का रखना चाहते हैं, 7 चक्रास को हील करना चाहते हैं, तो आप ये दोनों रखिए, बिजनेस वर्क प्लेस पर रखिए, और ये आप अपने 7 चक्रास को हील करने के लिए रखें। ठीक इसी तरीके से अगर आप लव चाहते हैं तो रोज़ क्वार्ट्स का मेरी बात मानिए तो ज़रूर रखिए। इससे आप बहुत जल्दी अट्रैक्टिव बन जाएंगे। मेरे बेडरूम में भी ये रखा हुआ है एंड आई जस्ट लव, मुझे बहुत पसंद है ये रोज़ क्वार्ट्स का ऑर्गन पिरामिड। तो आप लोग भी इसको ज़रूर की ज़रूर अपने घर में रखिए। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।